आज हम देखेंगे माइक्रो पैरासाइटिज्म क्या होता है, ठीक है। तो अब इसके लिए देखना माइक्रो पैरासाइट क्या होता है, ठीक है, उससे हमें माइक्रो पैरासाइटिज्म भी पता चल जाएगा। तो माइक्रो पैरासाइट कोई भी ऑर्गेनिज्म जो फंजाई के ऊपर एज अ पैरासाइट ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है माइक्रो फंजाई के ऊपर एज अ पैरासाइट ग्रो करने का, उसी को जो है हम माइक्रो पैरासाइटिज्म बोलते हैं। ग्रेट। अब माइक्रो हेटरोट्रॉफी क्या होता है, ये फिर माइक्रो हेटरोट्रॉफी या फिर इसमें एक और वर्ड है कि माइक्रो पैरासिटिक प्लांट्स, कि अगर कोई भी प्लांट जो है वो एज अ पैरासाइट ग्रो कर रहा है किसी भी फंजाई के ऊपर, ठीक है। अब आप यार मतलब प्लांट्स जो है ज़्यादातर जो है वो खुद का खाना बनाते हैं, तो फिर वो क्यों से क्या जरूरत पड़ेगी फंजाई के ऊपर रहने की। अब जैसे कि हमें पता है कि ऑर्चिड सीडलिंग्स जो होते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, ऑर्चिड सीडलिंग्स ये जनरली यहाँ पे पैरासाइट होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो ये फंजाई के ऊपर ग्रो कर सकते हैं सीडलिंग्स, ठीक है। और कुछ प्लांट्स जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, वो खुद का खाना नहीं बना पाते, तो वो भी ग्रो कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो ऐसे ही मोनोट्रोपा यूनिफ्लोरा है एक प्लांट का नाम, ठीक है। अब अगर हम बात करें माइक्रो पैरासिटिक प्लांट्स या फिर माइक्रो हेटरोट्रॉफी, ठीक है। हेटरोट्रॉफी क्या होता है कि अगर आप अपना खाना किसी दूसरे से ले रहे हैं, ठीक है, हेटरोट्रॉफिक, और जो ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, ठीक है, वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं। तो यहाँ पे प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉफिक होने चाहिए, लेकिन वो प्लांट जो है यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक ना होकर वो हेटरोट्रॉफिक है। और किसके ऊपर हेटरोट्रॉफिक है, फंजाई के ऊपर। फंजाई को जो है हम यहाँ पे माइको वर्ड यूज़ करते हैं फंजाई के लिए, ठीक है। तो इसलिए आगे माइको हेटरोट्रॉफिक। अब आता है कि कुछ बैक्टीरिया भी इसके ऊपर ग्रो कर सकते हैं, तो वो बैक्टीरिया जो ग्रो करेंगे यहाँ पे, वो बैक्टीरिया हो जाएंगे मतलब वो बैक्टीरिया माइक्रो पैरासिटिक बैक्टीरिया कहलाएंगे, ठीक है। उसके अलावा कोई वायरसेस ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो उसे हम माइक्रो वायरस कह सकते हैं, ठीक है, या फिर माइक्रो पैरासिटिक वायरसेस बोल सकते हैं उसको, ठीक है। उसके अलावा आता है माइक्रो पैरासिटिक फंजाई। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मतलब इम्पॉर्टेंट है, माइक्रो पैरासिटिक फंजाइज इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें एक इम्पॉर्टेंट बहुत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक फंजाई है, वो है ट्राइकोडर्मा विल्टी, ठीक है। अब ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसे हम एज अ बायो कंट्रोल एजेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, और ये कई जगह यूज़ होती है, बहुत सारे देशों में यूज़ की जाती है, ठीक है। उसके अलावा अब कि ये जो काम करता है वो काम किस तरीके से करते हैं, ये माइक्रो जो ये ग्रो करते हैं इसके ऊपर एज अ पैरासाइट फंजाई के ऊपर, कोई भी बैक्टीरिया वायरस प्लांट्स तो या फिर कोई फंजाई, कि वो अपना काम किस तरीके से करता है। तो अगर हमें होस्ट पैरासिटिक साइकिल पता है, ठीक है, तो ये उसी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी अब ठीक है, होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन तो बाद में देखेंगे, लेकिन उस वो इंटरेक्शन कैसे होती है, अगर हम बायो कंट्रोल बायोट्रॉफिक और नेक्रोट्रॉफिक की बात करते हैं, तो बायोट्रॉफिक में क्या होता है कि पैरासाइट चाहता है कि ये पेड़ जिंदा रहे, ठीक है, क्योंकि वो जिंदे पेड़ से ही जो है वो खाना ले सकते हैं। लेकिन नेक्रोट्रॉफिक में क्या होता है कि प्लांट की जो ज़रूरत होती है वो डेड प्लांट से पूरी होती है, तो वो अपने पैरासाइट को जिसके ऊपर भी वो गया है उसे वो मार देगा। जैसे कोई फंजाई है, ठीक है, और वो दूसरी फंजाई पर ग्रो कर रही है, तो वो कुछ ऐसे केमिकल्स ऐसे टॉक्सिन्स क्रिएट करेगी कि जिस फंजाई के ऊपर वो ग्रो करने गई है ना वो मर जाए, ठीक है। तो ऐसे पैरासाइट को हम कहेंगे नेक्रोट्रॉफिक, क्योंकि उसने मार दिया दूसरे को, नेक्रो का मतलब मार देना, ठीक है, तो मरे हुए के ऊपर फीड करेगा, ठीक है। और बायोट्रॉफिक मतलब जिंदा, तो जो जिंदे के ऊपर फीड करेगी जो पैरासाइट्स उन्हें हम बायोट्रॉफिक पैरासाइट्स कहेंगे, ठीक है, और जो पेड़ को मार करके जो है उस पर फीड करेंगे उसे हम नेक्रोट्रॉफिक पैरासाइट कहेंगे। तो ये तो हो गया बायोट्रॉफिक और नेक्रोट्रॉफिक, ठीक है। अब हम आता है बैलेंस और डिस्ट्रक्टिव। अब बैलेंस भी हुई कि भाई एक वो जो है वो बैलेंस बना के चल रहा है कि भाई ये पेड़ जिंदा होना चाहिए जिससे आगे भी काम है, तो वो बैलेंस हो गया। लेकिन अगर जो है वो पेड़ को जो है वो मार देता है, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव कर देता है, तो उसे हम डिस्ट्रक्टिव माइक्रो पैरासिटिज्म बोलेंगे। अब है माइक्रो पैरासिटिज्म काम कैसे करते, जैसे हम कह रहे थे कि होस्ट इंटरेक्शन यहाँ पर काम करता है, वही सबसे पहले कि वो टारगेट लोकेशन पर पहुँचना, और फिर वहाँ पे जो है उसके बाद उसे रिकॉग्नाइज़ करना कि जिस पे मैं आया हूँ मुझे इसी के ऊपर ग्रो करना है या नहीं, ठीक है। वो होस्ट पैरासाइट देखेगा इस बात को कि यही मेरा होस्ट है या नहीं है। उसके बाद फिर वो अब उसने रिकॉग्नाइज़ कर लिया कि ठीक है यही है, उसके बाद फिर जो कॉन्टैक्ट और पेनिट्रेशन होएगा, उसके बाद जो है मेन चीज़ न्यूट्रिएंट्स के लिए ही तो आया है, वो फिर जो है वहाँ से न्यूट्रिएंट को ड्राइव करेगा। तो अब हम इन स्टेप्स को देख लेते हैं किस तरीके से काम करते हैं।
अब टारगेट लोकेशन में क्या होता है, अब कुछ रिसर्च से ना हमें ये पता चला है कि माइक्रो पैरासाइट जो होता है ना, ये आप कह सकते हैं कि ना होस्ट, अब वो हम देख लेंगे भाई होस्ट स्पेसिफिक होता ही है, ठीक है। ये चीज़ हमें यहाँ से ही पता चलती है कि जैसे ट्राइकोडर्मा जब ग्रो करती है ना, तो वो हमने ट्राइकोडर्मा का एग्जांपल पहले ही पढ़ा था, तो ट्राइकोडर्मा जैसे ही ग्रो करती है, जिस भी किसी जो उसका पर्टिकुलरली एक जीनस होता है जिसके ऊपर वो ग्रो करती है एज अ माइक्रो पैरासाइट, तो वहाँ पे क्या करती है, वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन को प्रोवोक करती है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन को, जिससे कि वो अपने आप को वहाँ पर ग्रो करा सके, ठीक है, माइक्रो पैरासाइट्स रिलेटेड जीन्स के लिए वो वहाँ पर ट्रांसक्राइब कराती है, ठीक है, जिससे कि उसके जो यहाँ पे आगे फर्दर प्रोटीन्स बन सके जो ट्राइकोडर्मा को हेल्पफुल करेगी, ठीक है। उसके अलावा रिकॉग्नाइज कैसे करता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात की गई कि रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, पहचानता कैसे, तो यहाँ पे जैसे कि कार्बोहाइड्रेट रेजिड्यूज हो सकते हैं सेल वॉल ऑफ द माइक्रो पैरासाइट, ठीक है, मतलब जो भी माइक्रो पैरासाइट आएगा उसके ऊपर जो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट रेजिड्यूज हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आप क्या है, यहाँ पे जो लेसेटिन होगा ऑन द सर्फेस, लेसेटिन कहाँ पे प्रेजेंट होगा, लेसेटिन प्रेजेंट होगा यहाँ पे होस्ट फंजाई के ऊपर, ठीक है, और उसके बाद फिर जो उनके बीच में एक रिकॉग्निशन हो जाएगा म्यूचुअली, ठीक है, दोनों के पास में अटैक्ट कर लिया हो तो वहाँ से जो उनके बीच में रिकॉग्निशन हो जाएगा। कॉन्टैक्ट और पेनिट्रेशन, अब इन्होंने अब तक दो स्टेप हो चुके हैं कि वो पहुँच भी गया जहाँ पे जाना था, ठीक है, अब किस थ्रू हो गया वो चला गया लेकिन वहाँ पे, ठीक है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे आई है कि अब उसने रिकॉग्नाइज भी कर लिया कि ठीक है ये यहीं पर आना था, ठीक है, कुछ केमिकल्स जो थे वो होस्ट के पास में थे, कुछ केमिकल्स जो थे वो यहाँ पे माइक्रो पैरासाइट के पास में थे, ठीक है। अब ये पहुँच करके क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट बनाएंगे, ठीक है, और उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हाइफा ऑफ माइक्रो पैरासाइट फंजाई फॉर्म स्पेशलाइज कॉन्टैक्ट सेल रिजम्बलिंग होस्टोरिया ऑन द हाइफे ऑफ देयर होस्ट, ठीक है, या फिर कुछ क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे कोइल हो सकते हैं अलोंग द हाइफे ऑफ द होस्ट साइट, ठीक है, यहाँ पे कि वो जो अगर दूसरी फंजाई ग्रो कर रही है उसके ऊपर, ठीक है, तो क्या करेंगे कि वो कोइल हो जाएगी, कोइल अराउंड द हाइफे ऑफ द होस्ट फंगस, ठीक है, जिस होस्ट फंगस पे आप आए हैं उसके हाइफे के अराउंड कोइल हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा आप एप्लीकेशन जो कि इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, ट्राइकोडर्मा को हम यूज़ करते हैं किसके अंदर, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के अंदर, और ये बहुत सारे देशों के अंदर यूज़ हो रही है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, इंडिया, इज़राइल, न्यूजीलैंड, स्वीडन, अदर कंट्रीज़, ठीक है, और किस लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आप डिजीज़ के नेम दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे बोट्रिटस हो गया, उसके अलावा राइजोक्टिनिया हो गया, ठीक है, बहुत सारे हैं, इन स्पीशीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो हम ट्राइकोडर्मा का यूज़ करते हैं, मतलब एक फंजाई का हम यूज़ करते हैं दूसरी फंजाई को मारने के लिए, ठीक है। बट दिस, थैंक यू सो मच।